दोस्तों आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस की टीम के बीच आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मैच खेला जाएगा और दोस्तों आज हमें दो फाइनलिस्ट टीमें मिलेंगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस बड़े मुकाबले में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी और दोस्तों जानेंगे आज के मैच में कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जहां दोस्तों पहले बात करें, मुंबई की टीम ने एलिमिनेटर मैच में लखनऊ को एक बड़े अंतर से हराकर अपनी जगह क्वालिफायर 2 के लिए पक्की करी। तो वहीं क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस चेन्नई से हारकर यहां पर पहुंची है। ऐसे में दोस्तों ये दोनों ही टीमें ये मुकाबला किसी भी हालत में जीतना चाहती हैं ताकि वो फाइनल में पहुंच सके। अगर जो भी टीम आज का मैच हारी उसका सफर यहीं रुक जाएगा और जो टीम जीतेगी वो चेन्नई से फाइनल का मुकाबला खेलेगी। जहां इन दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इन दोनों ही टीमों के बीच आईपीएल में 3 मैच खेले गए हैं और 3 में से 2 बार मुंबई को जीत हाथ लगी है। तो गुजरात केवल एक ही मैच जीत पाया है, लेकिन जब ये दोनों टीमें पिछली बार आमने सामने आई थी तो उस मैच को गुजरात ने 55 रनों से जीता था। और इसको देखते हुए गुजरात का पलड़ा तो भारी दिख रहा है, लेकिन दोस्तों मुंबई की टीम जिस अंदाज में अपना पिछला मुकाबला जीती है वो एक बार फिर से अच्छे मोमेंटम के साथ इस मुकाबले में खेलने उतरेगी। और दोस्तों गुजरात की टीम अपना पिछला बड़ा मैच हार के आई है तो उन पर पूरा दबाव होगा। ऐसे में दोस्तों क्वालिफायर 2 का मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और दोस्तों ये मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। तो दोस्तों अब बात करें इस बड़े मुकाबले में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी। तो पहले बात करें मुंबई इंडियंस की, तो मुंबई की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन दिखाई देंगे। तो मिडिल ऑर्डर में कैमरोन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव, निहाल वदेरा, टीम डेविट और 7वें नंबर पर कुमार कार्तिकेया, हार्दिक शौकीन में से कोई एक खिलाड़ी खेलता हुआ दिखाई देगा। तो गेंदबाजी में क्रिस जॉर्डन, पीयूष चावला, जेसन ब्रैंडॉफ और आकाश बदवाल मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। तो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में तिलक वर्मा को मौका मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करें गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए वृद्धिमान शाह के साथ शुभमन गिल दिखाई देंगे। तो मिडिल ऑर्डर में कप्तान हार्दिक पांड्या, विजय शंकर, डेविड मिलर, धासुन सनका और राहुल तिवतिया मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। तो गेंदबाजी में राशिद खान, मोहित शर्मा, नूर अहमद और मोहम्मद शमी गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे। ऐसे में दोस्तों इस बड़े मुकाबले में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 आज कुछ इस तरह दिखाई देगी। और दोस्तों आपको क्या लगता है आज कौन सी टीम बड़ा मुकाबला जीतकर फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की करेगी? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।